आमजन की शिकायतों को सुनने के बाद उनका समाधान किए जाने के उद्देश्य को लेकर पूरे प्रदेश में माह के पहले और तीसरे शनिवार को तहसील स्तर पर जनता दरबार के रूप में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी जनता की शिकायत को सुन रहे हैं और उनका समाधान भी कर रहे हैं। इस उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद की तहसील में सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें उप जिलाधिकारी सदर और क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन द्वारा जनता की शिकायतों को सुना गया और उनका समाधान भी किया गया। शनिवार को आयोजित इस संपूर्ण समाधान दिवस में जनता की ओर से लगभग 25 शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिसमें से कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। साथ ही सभी शिकायतों से संबंधित विभागों से आए अधिकारियों को शिकायत सौंपने के उपरांत ये निर्देश दिए गए कि समय समय पर सभी शिकायतों का पूरी गुणवत्ता के साथ निस्तारण हो और शिकायतकर्ता को भी उसकी शिकायत से अवगत कराया जाए, क्योंकि शासन की प्राथमिकता है कि जो लोग पीड़ित होकर अपनी समस्या के लिए तहसील स्तर पर पहुंच रहे हैं उनकी समस्याओं का समाधान पूरी गुणवत्ता से किया जाए, भरोसा दिलाया जाए कि पूरी ईमानदारी के साथ उनकी समस्या का समाधान होगा। जनता की शिकायत सुन रहे उप जिलाधिकारी सदर से बात की गई तब उनके द्वारा बताया गया कि आज के संपूर्ण समाधान दिवस में 25 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसमें से कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। सुबह 10 बजे से तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 23 प्रार्थना पत्र अभी तक प्राप्त हुए हैं और जिसमें विद्युत विभाग के 6 हैं और 6 करीब राजस्व विभाग के हैं और अन्य विभागों से संबंधित है। लगभग 2 शिकायत पत्रों का निस्तारण मौके पर कर दिया गया है, अन्य पर विभागों को भेज दिया गया है, उस पर पूर्ण कार्रवाई करते हुए यथोचित उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितने दिन का समय दिया गया है कि वैसे हम इनको 1 सप्ताह का ही समय देते हैं, लेकिन नियम में जितना है कि 15 दिन तक कर सकते हैं तो वो 15 दिन में करते हैं।